नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्रीज से जो इंडिया आते हैं, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग रोज ही आते हैं, लगभग हजारों की संख्या में लोग विदेशों से लोग इंडिया आ रहे हैं। इस दौरान आपके साथ कुछ घटना हो सकती है, इंसान को लालच दिया जा सकता है मजबूरीवश। और बता दूं कि जो मजदूरी जो ब्लू कॉलर बंदे होते हैं हमारे राजस्थान की, मैं बता दूं कि आपको पता है गोल्ड का भाव इंडिया में क्या चल रहा है, लगभग 56,000, जी हाँ 56,000 के करीब गोल्ड का भाव चल रहा है। और इस मैटर में हम डिटेल से बात करेंगे कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। की न्यूज़ है बाकायदा पेपर की न्यूज़ मैं बताऊँ आप लोगों के साथ में। आपको पता है आज से एक महीने पहले मैंने भी वीडियो डाला था और आपने सब लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी, लगभग 16-17 करोड़ रुपए का गोल्ड पकड़ा गया था। जी हाँ 32 केजी गोल्ड पकड़ा गया था राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पे, और उसकी अभी भी जांच चल रही है। ये मत समझना कि वो मैटर एक दिन ख़त्म हो गया, इतना बड़ा जो मैटर होता है भाई ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उस पर मुकदमा लग जाता है। समझ गए बात को, मुकदमा लगता है फिर उसकी जांच होती है कि इतना गोल्ड कहां से आया, ये तो समझ में आ जाता है तुरंत, लेकिन आगे कहां जाना था, ये कौन का आदमी, इसको कौन जो लोग हैं वो खरीदने वाले थे, और ये सरकार के सीधा सीधा राजघाटा इसको बोल सकते हैं, टैक्स का उसमें नुकसान होता है। तो इसकी भैया आज के जो पेपर में न्यूज़ आई है इसमें साफ साफ बताया गया है कि जैसे ही लॉकडाउन लगा जो तस्कर हैं गोल्ड के तस्करी करते हैं वो विदेश में बैठे होते हैं, दुबई में, सबसे ज़्यादा दुबई से होता है क्योंकि दुबई लोग ज़्यादा रहते हैं, बहरीन से भी होता है, कतर से भी होता है, सबसे ज़्यादा दुबई से होता है। वो लोग क्या करते हैं कि आप जैसे लोग विदेश से आ रहे हैं कोई 1 साल से 2 साल से 6 महीने से, उनको कुछ लालच दे दिया जाता है कि टिकट फ्री कर देंगे। अब उसको बोल देते हैं आपकी टिकट फ्री कर देंगे, आप इतना सामान ले जाओ जी। अब टिकट होती है 15,000-20,000 के लॉकडाउन में, बाकी नॉर्मल 10-12,000 में आ जाती है। अब एक बंदा लालच में फंस के वो गोल्ड लेके पहुंच जाता है, पिछली बार 6-7 को पकड़ा था, अब उनके ऊपर मुकदमा लग चुका है, जांच चल रही है। कुछ लोगों ने नाम बताए हैं कि ये गोल्ड शेखावाटी में जाना था, यानी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में जाना था। और ये कौन खरीदते हैं, जो वही व्यापारी होते हैं गोल्ड, जो ज्वेलर्स होते हैं बड़े बड़े शोरूम वाले, वो खरीदते हैं इसके आभूषण बना के, इनके गहने बना के वो सेल कर देते हैं, सीधी बात है। और ये फंडा कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचता है इनका, जो इनका टैक्स लगता है लगभग 12.5% के करीब टैक्स है, वो इनका बचने के चक्कर में ये सब सिस्टम तामझाम किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट इतना ही है कि भाई कोई आपको लालच दे कि यार इतना सामान है आप ले जाओ, या आपको कुछ सामान दे दे, हो सकता है उसमें गोल्ड हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, स्कैनिंग इतने ज़बरदस्त हैं कि वो कैच कर लेते हैं। और इनको तो गोल्ड तस्करी अब ज़्यादा हुई है लॉकडाउन में, क्योंकि सबको पता था कि एक तो सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं लॉकडाउन में, ठीक है, दूसरी बात ये था कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से सही तरीके से जाँच नहीं की जाएगी। जी हाँ साथियों, जैसे पहले जाँच होती है ना वैसे नॉर्मल तरीके से जाँच करेंगे, ज़्यादा जाँच नहीं करेंगे क्योंकि अधिकारी पास नहीं आएंगे, दूर से निकाल देंगे तो अपना गोल्ड आराम से निकल जाएगा। लेकिन बहुत जगह निकला भी है, 2 दिन पहले दिल्ली में भी पकड़ा गया था, अभी जयपुर में भी पकड़ा, रोज हर जगह पकड़ा जा रहा है। केरला में आपने देखा होगा मंत्री तक के नाम आ रहे हैं, सरकार तक के नाम आ रहे हैं कि गोल्ड में सरकार भी शामिल है तस्करी करवाने में। तो इन चीजों का ध्यान रखें, आपको कोई ऐसा लालच दिया जाए तो भाई चक्कर में मत पड़ना, फालतू में मुकदमा लगेगा और फिर विदेश जाने से खराब हो सकते हो आप। और कुछ बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं भैया, जब सरकार के नज़रों में आ जाते हैं और पुलिस के धक्के लग जाते हैं तो कौन सी धाराएं लगाती हैं अपने को पता नहीं लगता, कोर्ट में फिर जमानत कराते फिरोगे। तो कहने का मतलब यही है, इनसे बचें थोड़ा सा, अगर कोई लालच दे तो भैया चक्रों में मत आना, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।